सो फ्रेंड, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ पढ़ा है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बारे में। हम पोर्ट पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो पोर्ट के अंदर मैंने कंप्यूटर पावर पोर्ट का वीडियो बनाकर रखा हुआ है, वो जाकर देख ले। पीएसपी कीबोर्ड एंड माउस किस तरह से होता है, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट क्या होता है। तो अभी जो वीडियो चल रहा है सीरियल पोर्ट के बारे में चल रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने पैरेलल पोर्ट के बारे में बताया था पिछले वीडियो के अंदर। ईपीपी सीपी वगैरह बहुत कुछ मैंने पढ़ाया है। तो जो पिछले वीडियो के अंदर सीरियल पोर्ट क्या होता है, किस तरह से दिखाई देता है और उसका यूज़ क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था। तो पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट में क्या अंतर होता है, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका पोर्ट का रीजनिंग और पोर्ट का जो प्रोटोकॉल्स वगैरह जो होते हैं, मैं आपको ये समझाया था। तो सीरियल पोर्ट को किस तरह से सीरियल पोर्ट समझते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है और कौन कौन सी चीज़ों के अंदर सीरियल पोर्ट यूज़ होता है। ओके, मैंने आपको ये बताया था पिछली वीडियो में। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा कि सीरियल पोर्ट और भी कितने हार्डवेयर के कंपोनेंट के अंदर आता है और उसको और हम जानेंगे डिटेल के बारे में, सीरियल पोर्ट के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैं कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। ओके, तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए, तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर जैसे कि कुछ मैंने पहले तो आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी कि किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना के रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये बटन है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि सीरियल पोर्ट एक माउस, सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइसेस फॉर सीरियल पोर्ट, इजिली यूज विथ अ कंप्यूटर विथ नो PS2 और USB पोर्ट एंड स्पेशली माउस. सो PS2 और हो या USB पोर्ट ना हो, तब भी आप सीरियल पोर्ट से माउस को कनेक्ट कर सकते हो. दूसरा है जो मॉडेम, अनदर कॉमनली यूज डिवाइस फॉर सीरियल पोर्ट्स, इज कॉमनली विथ ओल्डर कंप्यूटर, हाउएवर इज ऑल्सो कॉमनली यूज फॉर इट ईज ऑफ यूज. सो दूसरे भी बहुत सारे डिवाइसेस है सीरियल पोर्ट्स के लिए, तो ये कॉमन पोर्ट कहते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही पुराने कंप्यूटर से सीरियल पोर्ट चलता आ रहा है. देख सकते हो आप यहाँ पर कि ये जो है हमारा सीरियल पोर्ट है यहाँ पर. ओके, तो मैंने PS2 बोर्ड पढ़ा दिया था, उसकी वीडियो जाकर देख ले, आपको पता चलेगा. पैरेलल बोर्ड पढ़ा दिया था, पैरेलल पोर्ट क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है. उसके बाद मैंने आपको सीरियल पोर्ट पढ़ाया है यहाँ पर. ओके, इसका यूज़ क्या होता है. तो हम बात करते हैं मॉडेम की. तो जैसे कि मैंने कहा कि आज के टाइम के अंदर इंटरनेट बहुत सारे तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर चला सकते हो. तो पहला तरीका है कि RJ45 का केबल से भी चला सकते हो, जिसको नेटवर्क इथरनेट पोर्ट कहते हैं इसको, या आप कम्युनिकेशन करने के लिए दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको वाईफाई सिग्नल कह सकते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी के थ्रू, या तो फिर आप USB के थ्रू भी आप इंटरनेट चला सकते हो यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हो कि मॉडेम मॉडेम का यूज़ होता था पुराने टाइम के अंदर, आज के टाइम के अंदर होता है यूज़, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता आज के टाइम के अंदर, सिर्फ राउटर यूज़ होता है यहाँ पर. तो राउटर भी एक तरह का मॉडेम के ऊपर से ही बना हुआ एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो मैंने नेटवर्क की सीरीज के अंदर बताया है यहाँ पर. तो जब भी हमें कोई पुराने टाइम के अंदर इंटरनेट चाहिए होता था, या फिर इंटरनेट के साथ साथ और भी कम्युनिकेशन करने के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो हमें मॉडेम का यूज़ करना पड़ता था. तो मॉडेम के अंदर एक पार्ट के अंदर हम सीरियल पोर्ट को कनेक्ट करते थे, और दूसरे पार्ट के अंदर हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते थे, जिसको मॉडेम कहते हैं. तो मॉडल 5700 मॉडल नंबर है यहाँ पर, USB सीरियल केबल है यहाँ पर. तो ये सीरियल केबल लगा है यहाँ पर, USB 2 सीरियल केबल. तो यहाँ पर एक USB पिन लगेगा, और यहाँ पर ये सीरियल केबल थ्रू और कंप्यूटर USB पोर्ट के अंदर लगेगा. तो यहाँ पर USB पोर्ट एक तरफ वायर का लगेगा, और यहाँ पर सीरियल कनेक्शन होगा, और ये मॉडेम है सीरियल पोर्ट का. तीसरा जो है नेटवर्क के अंदर, वन ऑफ द ओरिजिनल यूसेज ऑफ द सीरियल पोर्ट विच अलाउड टू कंप्यूटर टू कनेक्ट टुगेदर एंड अलाउड लार्ज फाइल टू बी ट्रांसफर बिटवीन दैट टू. तो बड़ी बड़ी फाइलें जो थी उसको यूज़ करने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए सीरियल पोर्ट ज़्यादा यूज़ होते थे. तो कुछ नहीं करना है आपको, एक सीरियल पोर्ट की पिन यहाँ पर लगानी है, और दूसरा कंप्यूटर है उसको वहाँ पर लगानी है. दोनों को कंप्यूटर को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है. तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ. तो बड़ी बड़ी लार्ज फाइल है, बड़ी फाइल है, उसको क्या कर सकती है आप, ट्रांसफ़र करवा सकती हो. जैसे कि मैंने कहा प्रिंटर, टुडे दिस नॉट अ कॉमनली यूज डिवाइस फॉर सीरियल पोर्ट, हाउएवर वेयर फ्रीक्वेंसली यूज विथ ओल्डर प्रिंटर एंड प्लॉटर्स. तो जैसे कि मैंने कहा कि पैरेलल पोर्ट जो था वो पुराना, बहुत पुराना पोर्ट था. जैसे ही सीरियल पोर्ट आया, तो सीरियल पोर्ट के साथ उसका डिवाइसेस भी आए. जैसे तो आपके सामने कि चार सीरियल पोर्ट है एक ही पोर्ट के अंदर, देखो एक ही सीरियल पोर्ट के अंदर चार पोर्ट आपको मिल जाएंगे. तो अगर आप यहाँ चाहते तो कि एक प्रिंटर यहाँ लगे, दूसरा प्रिंटर यहाँ लगे, तीसरा मॉडेम यहाँ, मॉडेम जो है यहाँ पर लगे, चौथा स्क्रीनर यहाँ पर लगे, तो ये सपोर्ट करता था. लेकिन पैरेलल पोर्ट के अंदर क्या होता था कि कम से कम दो ही पैरेलल पोर्ट यूज़ कर सकते हो, तीसरा नहीं. तो ये बहुत ही कॉमनली एंड हाई लेवल पर यूज होने वाला ये सीरियल पोर्ट है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का प्रिंटर है यहाँ पर.
मिनी कंप्यूटर डेसिल 40s लेबल इट 101 101, इस तरह का आपको लेबल मिलेगा। जहाँ पर भी इस तरह से लिखा हो तो आप समझ लो कि ये सीरियल पोर्ट। ओके, सो ये एक रिप्रेजेंट बाइनरी कोड का बता रहा है यहाँ पर, विच आर वन एंड जीरो टू प्रेजेंट बाइनरी। यूजर में ऑल्सो इंटरप्रेटर द नंबर वन एज द लेटर इज, इसको कुछ जगह पर एल लिखा होता है यहाँ पर, एंड जीरो इज ओ, इसको इस तरह का लिखा होता है 101। तो वहाँ पर आप समझ लो कि ये सीरियल पोर्ट का है, यहाँ पर दे सकते हो आपके सामने। तो ये सिर्फ 9 पिन का कनेक्शन है, यहाँ पर 9 वायर होती है यहाँ पर, और इस तरह का आपका सिग्नेचर हो तो समझ लो कि वहाँ पर ये सीरियल पोर्ट है। तो ज़्यादातर ये इस तरह का आपको मिलेगा। ओके, तो ये सीरियल पिन है, आपको ये वायर जो ये पिन है इसके अंदर जाएगी। ओके, और दूसरा आपके डिवाइसेस हो वो तो देख सकते कि सीरियल पोर्ट के अंदर आपको 9 पिन मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन पैरेलल पोर्ट के अंदर 25 पिन होती थी, मैंने आपको समझाया था। तो ये इसका केबल है आपके सामने। ओके, तो सेल पोर्ट के अंदर आपको इस तरह का केबल मिलेगा दोनों तरफ से, एंड के अंदर ही इस तरह से। और ये जो नॉच है यहाँ पर देख सकते कि ये नॉच है, वहाँ पर इसको पीछे की तरफ लॉक होते हैं, उसको घुमा कर केबल बाहर ना निकले या लूज ना पड़ जाए, इसलिए ये हमें ये दिया जाता है यहाँ पर। ओके, तो इसको घुमाकर लॉक कर दिया जाता है यहाँ पर। ओके, तो एक राउंड टाइप के जैसे हम स्क्रू फिट करते हैं, नट बोल्ट फिट करते हैं यहाँ पर, उस तरह से हम क्यों पीछे इसके पिन के अंदर घुमाना होता है इसको फिट करने के लिए। ओके, तो एक लॉक करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू होता है यहाँ पर। ओके, उसे इसको घुमाना होता है, अपने हाथों से घुमा सकते हो या तो फिर स्क्रू ड्राइवर से पीछे की ओर घुमा कर पहले पिन को लगा देना है, पहले पिन को लगाने के बाद यहाँ पर इसको फिट कर देना है। तो सीरियल पोर्ट हार्डवेयर के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू सीरियल पोर्ट के अंदर हार्डवेयर क्या होता है, जब सीरियल पोर्ट बना था तो इसके अंदर उसकी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, मतलब उसका आर्किटेक्चर, उसका डिज़ाइनिंग वगैरह, पिन वगैरह सब कुछ हम समझेंगे, वोल्टेज वगैरह। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू फॉर सीरियल पोर्ट हार्डवेयर, एंड completely I will show you about this real related information. So subscribe कीजिए मेरे channel को, like कीजिए और bell icon पर click करना ना भूले, वरना आपको नई video की जानकारी आप miss कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो सील पोर्ट हार्डवेयर क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, सील पोर्ट की इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है, तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडो 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी के और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको
बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर से, तो अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।